असलम होप सो यू आल विल बी डूइंग वेल सो जो हमने क्विज़ uh, दो अपलोड किए थे ग्रुप में वो उसके हम आज आंसर्स देखेंगे जैसे कि नूमेरिकल टाइप थे रिलेटेड टू एक्टिवेशन इनर्जी एंड इक्विलीबियम कॉन्सटेंट सो जो हमारा फर्स्ट uh, है नूमेरिकल वो ये है कि इफ़ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ आ रिएक्शन इज़ टू पर सेकेंड टू पर सेकेंड रेट कॉन्स्टेंट है एंड टेम्परेचर है सेवन हंड्रेड कैलवीन एंड सेकेंड भी है रेट कॉन्सटेंट जो है थर्टी टू पॉइंट ज़ीरो पर सेकेंड वो है एट द टेम्परेचर एट हंड्रेड कैलवीन देन वाट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है सो so मैंने लेक्चर में आपको एक्टिवेशन एनर्जी के जो का जो था फार्मूला वो बताया था एक्टिवेशन एनर्जी का हमारे पास फार्मूला था ये तो रियर रेंज है उसमें ये पहले जो फॉर्म आपको लेक्चर में बताई गई है उसमें यह था कि एन के टू ओवर के वन ये इक्वल था ई ओवर आर टी टू माइनस टी वन ओवर टी वन टी टू तो अब उसको रीअरेंज करके ये फॉर्म आ गई है ठीक है तो अब हमें पता है आर की वैल्यू होती है एट पॉइंट थ्री वन फोर टेम्परेचर टी वन हमें दिया गया है सेवन हंड्रेड कैलवीन टी टू हमें दिया गया है एट हंड्रेड कैलवीन अब हमने यहाँ पे भी एट हंड्रेड माइनस सेवन हंड्रेड लिख दिया टी टू माइनस टी वन है के टू हमें दिया गया है थर्टी टू और के वन हमें दिया गया है टू हम आप इस Uh, सारे को आप सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप तो देख सकते हैं हमारे पास ये आंसर आएगा जाओल पार मोल अगर हम उसे किलो में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास वन टू नाइन पॉइंट जीरो किलो जोलपार मोल आ जाएगा ओके okay, यहाँ पे रिएक्शन uh, कांस्टेंट का यूनिट पर सेकंड दिया गया है और रिकॉल कीजिएगा जरा कि पर सेकंड यूनिट कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए था पर सेकंड हमारे लिए फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर जो था उसके लिए था जीरो के लिए हमारे पास वही यूनिट था जो रेट ऑफ रिएक्शन का होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक पर सेकंड तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये था पर सेकंड अच्छा न्यूमेरिकल नंबर टू है हमारे पास दिया गया था कि इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज यानी चार टाइम हो जाए व्हेन टेम्परेचर चेंज हो फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन थ्री कैलविन टेम्परेचर टू से 313 कैलविन तक चेंज हो और इस चेंज के दौरान जो रेट कांस्टेंट है वो चार गुना हो जाए देन व्हाट विल बी दी एक्टिवेशन एनर्जी फिर क्या होगी एक्टिवेशन एनर्जी तो सेम एज सच वही फार्मूला हमने पुट कर दिया है आर की वैल्यू एट पॉइंट थ्री वन फोर है टी वन टेम्परेचर टू नाइनटी थ्री है टी टू टू थ्री वन थ्री है फिर उसको माइनस किया है अब यहाँ पर जो चेंज आया है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जो रेट कांस्टेंट है वो चार गुना हो जाएगा यानी जो के वन होगा वो सपोज अगर के है तो के टू फोर के हो जाएगा तो हमने यू ही किया कि सपोज़ जो के टू के वन था वो के है ये डी में हमने लिखा हुआ है और जो के टू था वो फोर टाइम्स हो गया है तो ये फोर के हमने यहाँ पे लिख दिया अब आप इसको भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देख सकते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जाओल पार मोल इसको भी अगर किलो में कन्वर्ट कर लिया जाए तो 52.8 किलो जाउल पार मोल आ जाएगा तो ये था हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड आ गया है इसको ध्यान से देखिएगा फोर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन ट्वेंटी एट ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड वर टेकन इन टू डेसीमीटर क्यूबिक कंटेनर टू डेसीमीटर क्यूबिक कंटेनर का मतलब ये मैं आपको बार बार बताया है पीछे भी कि डेसीमीटर क्यूबिक जो है वो लीटर के इक्वल होता है मतलब ये दो लीटर कंटेनर में हमने क्या लिया है चार ग्राम हाइड्रोजन और वन ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड थ्री डिग्री सेल्सियस पे तो कैलकुलेट दी एक्टिव मैसेज ऑफ बोथ बोथ के कौन किस किस का हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन आयोडाइड का इन दोनों का एक्टिव मैस एक्टिव मैस क्या था ये जब हमने पढ़ा था ला ऑफ एक्टिव मैस वो लेक्चर इससे प्रीवियस लेक्चर है जो मैंने आपको दिया उसमें आपको बताया गया था कि जो एक्टिव मैस है वो कंसेंट्रेशन है बेसिकली कंसनट्रेशन होती है तो मतलब हमने इन दोनों की कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है कंसेंट्रेशन के कई यूनिट्स हैं तो हमने सपोज हमने इनकी मोलैरिटी फाइंड करनी है यहाँ पे còn <t> अब यहाँ पे माइंड uh, में आता है कि हमने कहा है कि एक्टिव मैस मैस कंसनट्रेशन है तो कंसनट्रेशन के तो कई यूनिट्स होते हैं लाइक like यहाँ पे मोलैरिटी हम फाइंड तो तो कर रहे हैं तो मोलैरिटी भी इसका यूनिट है और भी यूनिट्स हैं पीपीएम मोल फ्रैक्शन एक्सेट्रा तो हम मोलैरिटी ही क्यों फाइंड कर रहे हैं करनी तो कंसेंट्रेशन है तो किसी में भी, भी कर लें तो हम कौन सा यूनिट कौन सा जो है कंसनट्रेशन uh, का यूनिट यहाँ पे पुट करके फाइंड आउट करेंगे ये हमारे डाटा पे डिपेंड करता है अब यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो टू डेसीमीटर क्यूबिक यानी लीटर में दिया गया और हमें पता है कि मोलैरिटी में ही हम सोल्यूशन को जो वॉल्यूम है वो लीटर में लेते हैं जबकि मोलैलिटी में हम के में लेते हैं तो के में होता तो हम मोलैलिटी पुट करते हैं यहां पर लीटर में है तो हम अब मोलैरिटी पुट करें अगर आपको ये टर्म्स कन्फ्यूज करती हैं कि मोलैरिटी मोलैलिटी इनमें डिफरेंस या कुछ ऐसे क्वेश्चन के वाई मोलर मोलर सोल्यूशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन मोलर सोल्यूशन वाई मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड मोलेटी इज नॉट तो uh, ये सारी uh, जो हैं टर्म्स आपको इनको क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट इंक्रीज इन्हांस करने के लिए आप यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हैं इस पर कंप्लीट लेक्चर मैंने दिया है सो so, यहाँ पे अब आ, हम आ रहे हैं अपने लेक्चर की तरफ वापस कि यहाँ पे हम जो है मोलैरिटी फाइंड कर रहे हैं तो अब मोलैरिटी का फार्मूला पुट किया मोल्स ओवर सोल्यूशन इन लीटर तो मोल्स का फार्मूला था मैस ओवर मोलर मैस अब डिनोमिनेटर में मोलर मैस आ गया और सोल्यूशन इन लीटर अब फोर हमें गिवन है मैस हाइड्रोजन का फोर गिवन है और इसका जो मोलर मैस होता है वो टू होता है और जो सोल्यूशन हमें दिया गया है वो भी टू तो अब इसको हम सॉल्व करके हमारे पास वन मोलर आ जाएगा एच टू की कंसेंट्रेशन सेम हमने मोलैरिटी का फार्मूला है हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए पुट करके उसमें वन ट्वेंटी एट था वन ट्वेंटी एट करके और टू पर डिवाइड करके इसकी जीरो पॉइंट फाइव मोलर कंसेंट्रेशन आ गई तो वन मोलर जीरो पॉइंट फाइव मोलर दैट ऑप्शन वॉज करेक्ट इन दी क्विज जो कि आपको क्विज में एक दिया गया था उसमें ये वाला ऑप्शन ठीक था नेक्स्ट है हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 1500 डिग्री सेल्सियस वाटर की डिसोसिएशन हो रही है एच टू में एंड ओ टू में तो इसके लिए हमारे पास जो के पी की वैल्यू है वो 1.87 मल्टीप्लाई 10 की पार माइनस सिक्स एटमोस्फेयर है तो के सी की वैल्यू क्या होगी इसके लिए आपको के पी और के सी का भी पता होना चाहिए ये भी अगर कोई न्यू मेंबर्स हैं जिनको नहीं पता तो पहले आप लेक्चर सुन लें जो है हमारा प्रीवियस उसके बाद क्योंकि फिर ही आपको ये टर्म समझ आएगी ये फार्मूला ये रिलेशन वहाँ पे के पी और के सी के दरमियान रिलेशन भी है दिया गया और के पी हमें पता है कि अगर गैसेस के लिए ले रहे हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट तो ये पी पार्शियल प्रेशर को शो करें हम के पी ले ले लेते हैं वैसे सिंपल हम के सी कंसनट्रेशन के लिए ले लेते ले हैं तो यहाँ पर इन दोनों का अब है तो हम दोनों का जो रिलेशन फार्मूला था आपने अगर सारे मेमोराइज किए तो तो रिकॉल करके आपको पता चल जाएगा कि इनका रिलेशन फॉर्मूला कौन सा था तो वो था के पी इज इक्वल टू के सी आर टी एक्सपोनेंट में आएगा पावर में डेल एन डेल एन जो होता है वो चेंज इन मोल्स डेल का मतलब जहां पे भी डेल आ जाए वो मैंने आपको पहले भी बताया था चेंज के लिए शो होता है तो यहाँ पे डेल एन जो है एन पी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनका uh, होगा डिफरेंस तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं वन मोल हाइड्रोजन का हाफ मोल ऑक्सीजन का तो वन पॉइंट फाइव हो गए और रिएक्टेंट uh, के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वन तो वन पॉइंट फाइव माइनस वन ये कितने हो गए जीरो पॉइंट फाइव अब हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें के सी की वैल्यू थी वन पॉइंट एट सेवन मल्टीप्लाई टेन की पार माइनस सिक्स ओवर यहाँ पे आर की वैल्यू पुट की गई है जीरो पॉइंट ज़ीरो एट टेम्परेचर 1500 और इसकी जो आई थी 0.5 अब क्वेश्चन ये आ गया कि ये 0.08 पॉइंट कहाँ से आया आर की तो वैल्यू होती है 8.3143 पॉइंट ओके okay, यहाँ पे आप लोग अगर नोटिस करें तो आपको यहाँ पे एटमोसफियर जो कंडीशन है इसको जरा देखने की इस पर जरा गौर करने की कोशिश करें कि के पी को एटमोसफेयर में उन्होंने एक्सप्रेस किया है इसका कोई मतलब होगा तो हमें पता है आर का यूनिट जो होता है वो मोल पर कैलवीन होता है और अगर हम जाउल को और एटमोस्फेयर को इनको रिलेट करें तो हमारे पास एक लीटर एट्मो, जीरोमोस्फेयर के इक्वल होता है ओके तो अब हमने जाउल को उसमें कन्वर्ट करने के लिए आर की जो वैल्यू थी यानी एट पॉइंट थ्री वन फोर उसको हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया किससे जिसके वन जाउल इक्वल था किसके इक्वल था यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं दी गई तो मैं बोल रही हूँ जीरो पॉइंट डबल जीरो नाइन एट सिक्स ओके इसके इक्वल था तो हमने एट पॉइंट थ्री वन फोर को जीरो पॉइंट डबल जीरो नाइन एट सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई है बाद में अब आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखिएगा हमारे पास फाइनल ये आ जाएगी और ये फिर जो था क्विज में दिया गया ये करेक्ट ऑप्शन था ओके okay, नेक्स्ट हमारे पास जो नो था वो ये था कि 15 ग्राम हाइड्रोजन और 5.2 ग्राम आयोडीन ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इंट्रैक्ट कर रहे हैं इतने टेम्परेचर पे और 10 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इक्विलीब्रियम कांस्टेंट फाइंड करें आपको पता है कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इतनी दफ़ा टर्म पढ़ी है वो किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देना है कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अब कुछ बच्चे क्या करेंगे बहुत सारे बच्चे कुछ नहीं वो ऐसे ही करेंगे क्या कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट ये टेन ग्राम दिया हुआ है इसको ऊपर रखेंगे और नीचे फिफ्टीन ये रिएक्टेंट और फाइव पॉइंट टू रिएक्टेंट है इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर निकाल देंगे अब बहुत सारी मैंने देखे हैं जो ऐसी मिस्टेक्स करते भी हैं लेकिन अब बात यहाँ पे ये यह आती है कि वो जो हमने केसी का एक्सप्रेशन लिखते वक्त जो ऊपर प्रोडक्ट ले रहे हैं वो प्रोडक्ट का मैस नहीं होता उसकी कंसंट्रेशन होती है इसकेर ब्रैकेट में लिखा होता है ना तो वो उसकी कंसन्ट्रेशन होती है ना कि उसका मैस होता है इसी तरह रिएक्टेंट्स की भी कंसन्ट्रेशन होती है ना कि उसका मैस होता है तो यहाँ पे हमने कंसन्ट्रेशन फाइंड करके फिर उसे पुट करके आंसर्स निकाल सकते हैं इस तरीके से आंसर निकालेंगे तो वो गलत आएगा और कंसेंट्रेशन फाइंड करने वाला हम पहला नोमेडिकल देख चुके हैं जैसे हमने मोलैरिटी फाइंड की थी कंसेंट्रेशन ही थी ना अब यहाँ पे कंसेंट्रेशन फाइंड करने के लिए हम वो भी नहीं यूज कर सकते क्यों क्योंकि वहां पे मोलैरिटी का फार्मूला होता है हमने देखा था कि मोल्स यानी मैथ ओवर मोलर मैथ ओवर जो है लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो है वो लीटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो यहाँ पे तो हमें वॉल्यूम भी नहीं दिया गया तो अब हम क्या करेंगे तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सबसे पहले रिएक्शन लिखा कि हाइड्रोजन और आयोडीन ने मिलके के एच आई बना दिया उसको बैलेंस करके लिख दिया अब हमें पता होता है कि स्टार्ट पे रिएक्टेंट मैक्सिमम होते हैं प्रोडक्ट जीरो होते हैं सपोज इसका मोल एक था इसका बी था इसका जीरो था तो वक्त के साथ साथ इसका प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाती है प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और रिएक्टेंट की कम हो जाती है अब क्या होता है इसकी कंसनट्रेशन सपोज विद द पैसेज ऑफ द टाइम एक्स हो जाती है तो अब हम ए में से जितना प्रोडक्ट है

ओके okay, फिर हमने क्या किया अब इनकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है ना कंसंट्रेशन हमारे पास जो है ए हमने कहा कि सपोज हम ए हमारे पास 15 ग्राम है जो इनिशियल दिया हुआ है उसका मैस अब हमें चाहिए था एक्स हमने देखा कि जो हमारे पास हाँ एच आई का मैथ है वो टेन दिया हुआ एच आई का मैस टेन दिया हुआ है तो हम टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर आएगा तो ऑब्वियसली हम उसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर टेन आएगा मतलब हमें पता चल गया कि एक्स की वैल्यू क्या है फाइव है तो यहाँ पे भी हमने फिफ्टीन में से फाइव माइनस किया यहाँ फाइव पॉइंट टू जो कि हमारे पास आयोडीन की वैल्यू थी उसमें से फाइव माइनस किया फिर यहां पर हमने टू के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर थे वो लिख दिए ये हमारे पास आ गई वैल्यू अब ये हमारे पास फिर हमने इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखा और उसके अकॉर्डिंग उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी इस एक्सप्रेशन पे भी आपने कन्फ्यूज नहीं होना ये भी ऐसे ही है जैसे हम के सी लिख रहे हैं ना लाइक के सी के एन कोई भी इक्विलिब्रियम हम प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट टू एक्स था टू एक्स हमने लिख दिया और यहाँ पर जो हमारे पास टू एक्स इसलिए आया है कि क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है ना वो हमने टू के साथ यानी उसके साथ भी लिखने हैं और कॉफिशेंट में भी लिखना है टू यहाँ पे भी लिखा हमने साथ और ये x के कॉफिशेंट कॉफिशेंट कह रही हूँ एक्सपोनेंट x एकस में एक्सपोनेंट फॉर्म में भी ऊपर जाएगा ये हो गई हमारे पास प्रोडक्ट और हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखते वक्त क्या करते हैं प्रोडक्ट ऊपर और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट थे वो नीचे आ गए फिर हमने वैल्यूज पुट कर दी डायरेक्टली भी आप ये कर सकते हो वैल्यूज पुट लेकिन यहां पर फॉर्मूला के यूं कर दिया गया है फिर ये प्रोडक्ट की वैल्यू थी ये रिएक्टेंट की वैल्यू थी इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया के फिफ्टी तो ये जो था वो करेक्ट ऑप्शन था ओके नाउ जनरल नॉलेज पोर्शन आ जाता है विच सूरा इज द नेम ऑफ वन होली वार कौन सी सुरह है सुरह एज़ाब जो कि होली वार मतलब यूँ कह लें कि जो जंग होती जहाद उसका भी नेम है सुर एहज़ और जहाद का भी जंग का भी नेम है गज़वा एहजाब विच सर इज़ दी नेम ऑफ वन मेटल कौन सी सूरत मेटल का भी है एक नेम हदीद सरा हदीद विच सर इज़ कॉल्ड अरूसुल कुरान सुरह रहमान को हम कहते हैं विच सी uh, कहते नहीं है कि पढ़ें तो एक कुरान पाक का जो है, वो अजर मिलता है तो ट्वाइस दो दफ़ा कौन सी सूरत आई इनकशाफ हुआ सूरत फातहा इन विच सुरह इज़ दैक बाइटर कॉन्डेम जिसमें जो है सुरह जिसमें जो मुनाफ मुनाफिक के बारे में मुनाफिकों के बारे में जो बताया गया है इन विच सूर इज़ दी नेम ऑफ अल्लाह रिपीटेड इन एवरी वर्स जिसमें अल्लाह ताला का जो है नेम वो हर आयत में रिपीट हुआ है वो कौन सी सूरत है और इन विच सूरा डज द लेटर फा डिड नॉट अपीयर, इसमें नहीं हुआ अपीयर लेटर वो है सूरत फात्या अब देखने में तो लग रहा है कि नहीं इसमें तो हुआ ही होना है अब को, जब हम सपोज एम सी आ जाता है हम गेस्ट करते हैं तो ये हम कहेंगे नहीं ये करेक्ट ऑप्शन है इनमें से कोई आएगा जबकि करेक्ट ऑप्शन फाते आई है हाउ मैनी सूरा स्टार्ट विद दर्ल्ड तबारा कल्लाजी तबारा कल्लाजी से कितनी सूर स्टार्ट होती हैं दो मक्का सूरज रिवील्ड इन हाउ मैनीयर्स कितने सालों में आई थी मक्का सुरय uh, सुरह मक्का सुरह वो आई थी 13 years. So, this is all about your um, today's lecture. Hope so uh, you like it, understand it well. Thank you so much.